और अल्लाह के रसूल सल्लम का जो है मामूल था कि अल्लाह के रसूल सल्लम सलाम किया करते थे, पहल करते थे, वो बच्चों से खुद सलाम किया करते थे, बच्चों को अल्लाह के रसूल खुद सलाम करते थे, वो बच्चों को ताकि क्या करते, बच्चों को इसका आदि बना दे, बच्चों को इसकी आदत पड़ जाए, वो किया करते थे। सुनन तिर्मिज़ी की रिवायत है, हदीस नंबर 2698 कि अल्लाह के रसूल सल्लम ने फरमाया जब बच्चों से मिला करते थे तो अनस रजी अल्लाह फरमाते हैं और वो खुद फरमाते कि वो कहते थे कि ये मेरे बेटे जब अपने घर जाना तो पहले अपने घर वालों को सलाम कहना और ये तेरे और तेरे घर वालों के लिए बरकत की चीज़ है। यानी बच्चों को सिखा रहे कि अपने घर पर जाकर घर वालों को सलाम करना तो तेरे लिए और तेरे घर वालों के लिए बरकत की चीज़ है। तो बरकत भी है इसके अंदर, रहमतें बरकतें नेकियाँ सवाब, अल्लाह के हुक्म को मानना, अल्लाह के रसूल सल्लम की हदीस और इतनी सारी फजीलत और आम रिवाज करना, बेहतरीन इस्लाम, सब कितनी सारी चीज़ सिर्फ सलाम के अंदर है, इतना है जो इसकी ज़्यादा फजीलत है। तो बच्चों को बचपन से ही हमको सलाम करना सिखाना चाहिए ताकि जो है वो सलाम के आदि बन जाए। और ये कि हम उसके हम खुद करें, बच्चों से मोहल्ले के अंदर जा रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं तो उनको सलाम करें, आप सलाम करेंगे तो आप देखिए वो एक दिन आपने सलाम किया, दूसरे दिन आपने सलाम किया, तीसरे दिन कह देंगे हजरत आ रहे हो तो खुद तैयार हो जाएंगे, आपसे पहले सलाम करेंगे, वो खुद सलाम करने लगेंगे। तो ये चीज़ें और यही चीज़ें जो है दावत में भी काम आती है। हम अक्सर क्या होता है कि पूरे मोहल्ले के अंदर आदमी दावती है, वो दावत देता है तो क्या करता है उनके बाप को ही दावत देता है, दावत का जरिया है ये। वो कई बार हुआ है क्योंकि सामने वाला नहीं सुन रहा था लेकिन उसके जो बच्चे थे, बच्चों को सलाम किया गया तो बच्चे ने क्या किया, सलाम करना शुरू कर दिया। अब उसके बाप से सलाम नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसके बाप ने करता ही नहीं है तो वो भी नहीं कर रहे, लेकिन दूसरा जा रहा है तो वो सलाम कर रहा है तो उसको जवाब दे रहे हैं, तो उसका बाप कह रहे यार ये वाकई अखलाक वाले लोग कह रहे उन्होंने मेरे बच्चों को सलाम करना सिखा दिया। अब बच्चा उसके बाप से छोड़ के सबसे सलाम कर रहा है, मेहमान आ रहा सलाम, टीचर मिल रही सलाम, दूसरे मिल रहे सलाम, दो दाढ़ी वाला दिखे उसको सलाम, मौलाना साहब को सलाम, बाप से नहीं कर रहा क्योंकि बाप ने उसको भी सिखाया। तो ये जो है दावत का जरिया भी है, तो उसको सलाम को बच उसको सिखाना चाहिए।